नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार के पंचायत कर्मियों की भी अब लगेगी बायोमेट्रिक हाजिरी। हिट एंड रन केस को लेकर बिहार सरकार ने किया बड़ा ऐलान। भीषण गर्मी से टेढ़ी हुई रेल पटरी, अफाक अहमद ने ली MLC की शपथ। मुंबई इंडियंस की हार के बाद रोहित शर्मा को सुनील गावस्कर की सलाह। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार के पंचायत कर्मियों की भी अब लगेगी बायोमेट्रिक हाजिरी। गृह विभाग के संयुक्त सचिव अमिनेश पांडे के द्वारा पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव को एक पत्र लिखकर यह जानकारी दी गई है कि अब बिहार के सभी पंचायतों में काम करने वाले कर्मी, जिसमें संविदा कर्मी भी शामिल होंगे, उन सभी को अपना अटेंडेंस बायोमेट्रिक देना होगा। बता दें कि जारी किए गए पत्र में लिखा गया है कि संबंधित जिला पंचायत राज पदाधिकारियों द्वारा सहयोग के लिए सरदार पटेल भवन स्थित BBAS का हेल्प डेस्क से संपर्क करें। इसके BBAS द्वारा पंचायत वार सब ID क्रिएट की जाएगी। फिर पंचायत स्तरीय कार्यालय में लगाए गए BBAS डिवाइस में जिम्मेदार अधिकारी की मौजूदगी में फेस डिटेक्शन डिवाइस के माध्यम से नियमित बायोमेट्रिक अटेंडेंस दर्ज किए जाएंगे। इसके साथ ही वर्ष 2023 तक बेल्ट्रॉन द्वारा इस संबंध में मोबाइल ऐप को तैयार कर दिए जाने की संभावना है। हिट एंड रन केस को लेकर बिहार सरकार ने किया बड़ा ऐलान। बिहार सरकार की ओर से 2024 और 2025 के चुनाव को देखते हुए उन लोगों के लिए एक बड़ा निर्णय लिया गया है जो हिट एंड रन केस में घायल हो जाते हैं। बता दें कि ऐसे लोगों को सरकार की ओर से बड़े स्तर पर मुआवजे दिए जाएंगे। इसके लिए नीतीश सरकार की ओर से ऐलान भी कर दिया गया है। बता दें कि सरकार की तरफ से किए गए ऐलान में यह फैसला लिया गया है कि अब ऐसे लोग जिनकी मौत सड़क दुर्घटना के कारण हो जाती है, उनके परिवारजनों को मुआवजे के रूप में सरकार की ओर से 2,00,000 रुपए मुआवजे के रूप में दिए जाएंगे। वहीं वैसे लोग जो घायल हो जाते हैं, उन्हें सरकार की ओर से 50,000 रुपए मुआवजे के रूप में दिए जाएंगे। मालूम हो कि इसके लिए परिवहन विभाग के द्वारा सभी जिला पदाधिकारियों को त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया जा चुका है। आनंद मोहन की रिहाई के विरोध में उतरा IAS एसोसिएशन। बिहार सरकार के फैसले, जो बिहार के बाहुबली कहे जाने वाले आनंद मोहन के रिहाई को लेकर लिए गए हैं, इस फैसले को लेकर सियासत का पारा काफी चढ़ा हुआ है। वहीं अब सरकार के इस फैसले के विरोध में देश भर के IAS भी उतर गए हैं। बता दें कि इंडियन सिविल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एसोसिएशन नई दिल्ली के द्वारा बिहार सरकार के इस फैसले को लेकर निराशा जताई गई है और एक लेटर भी जारी किया गया है। इसके अलावा IAS एसोसिएशन के द्वारा सरकार को अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की भी मांग की गई है। इस लेटर में लिखा गया है कि सेंट्रल IAS एसोसिएशन गोपालगंज के पूर्व जिलाधिकारी स्वर्गीय श्री जी कृष्णैया की निरसंस हत्या के दोषियों को कैदियों के वर्गीकरण नियमों में बदलाव कर रिहा करने के बिहार सरकार के फैसले पर गहरी निराशा व्यक्त करता है। कर्तव्य परायण लोक सेवक की हत्या के आरोप में दोषी को कम जघन्य श्रेणी में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। भीषण गर्मी से टेढ़ी हुई रेल पटरी। बिहार में भीषण गर्मी से एक बार फिर से ट्रेनों के पटरी के टेढ़े होने की खबरें सामने आने लगी है। बता दें कि ताजा मामला गया जिले का है, जहां गुड़बा गजंडी घाटी रेलखंड पर स्थित नाथगंज रेलवे हॉल्ट के पास अप लाइन में अधिक गर्मी से रेल पटरी पिघलकर टेढ़ी हो गई। बता दें कि यह पटरी कुल 50 मीटर तक टेढ़ी हो गई है। मालूम हो कि इस वजह से वहां ट्रेन के परिचालन को दोबारा शुरू करने में 3 घंटे का समय लगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस खबर की सूचना तब मिली जब रेल कर्मी रेल ट्रैक की जांच कर रहा था। हालांकि जैसे ही इस बात की खबर रेल कर्मी को लगी तो उसने तुरंत मौके पर इस बात की खबर नाथगंज और दलवा स्टेशन को दी, जिसके बाद इस रेल पटरी को ठीक कर फिर से परिचालन की शुरुआत की गई। अतीक और अशरफ के हत्या मामले के तार जुड़े बिहार से। 15 अप्रैल को प्रयागराज में हुई माफिया अतीक अहमद और अशरफ की हत्या मामले को लेकर जांच कर रही SIT टीम के द्वारा एक बड़ा खुलासा किया गया है। बता दें कि इस खुलासे के तहत SIT के द्वारा बताया गया है कि जिस पिस्टल से माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या की गई थी, वह पिस्टल मुंगेर निर्मित है। दरअसल हमलावरों से जिन 3 पिस्टल को बरामद किया गया था, उनमें से 2 पिस्टल तुर्की की बनी हुई है, तो वहीं तीसरी पिस्टल का निर्माण बिहार के मुंगेर में हुआ था और जिस हमलावर के द्वारा मुंगेर के बने पिस्टल का उपयोग किया गया था, उसकी पहचान अरुण सौरी के रूप में की गई है। इसके साथ ही इस पिस्टल से 3 गोलियां चलाई गई थी। बिहार के स्वास्थ्य विभाग में होगी 212 ट्यूटर की नियुक्ति। बहुत जल्दी बिहार के स्वास्थ्य विभाग में 212 ट्यूटर की नियुक्ति होने वाली है। इसके लिए बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा परीक्षा में उत्तीर्ण करने वाले 212 ट्यूटरों के नामों की अनुशंसा स्वास्थ्य विभाग से कर दी गई है। वहीं अब इस अनुशंसा के आधार पर अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की जाएगी और फिर पत्रों की जाँच की जाएगी और फिर उसके बाद ही नियुक्ति की जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन 212 नामों की अनुशंसा प्राप्त होने के बाद विभाग के द्वारा 2 और 3 मई को राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान शेखपुरा में संबंधित अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा।
मालूम हो कि विभाग के द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि प्रमाण पत्रों की जांच के लिए आयोजित काउंसलिंग में आने वाले अभ्यर्थियों को विभाग की तरफ से किसी तरह का यात्रा का कोई अन्य भत्ता नहीं दिया जाएगा। बिहार में 24 घंटे में मिले कोरोना के 118 नए मरीज। प्रदेश में एक बार फिर से कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी होती जा रही है। बता दें कि बीते 24 घंटे में राज्य में कोरोना के कुल 118 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद अब राज्य में कोरोना एक्टिव मरीजों की कुल संख्या 849 पर पहुंच गई है। वहीं राज्य में मिले इन 118 नए मरीज में से अकेले बिहार की राजधानी पटना से 68 मरीज सामने आए हैं, जिसके बाद अब राजधानी में कोरोना एक्टिव मरीजों की संख्या 412 पर पहुंच गई है। वहीं पटना के अलावा भागलपुर में 57, पूर्णिया में 47 और खगड़िया में 41 एक्टिव केस। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राज्य में बीते दिन कुल 51,668 सैंपलों की जांच की गई है। वहीं अगर हम देश में कोरोना मरीजों की बात करें तो देश में पिछले 24 घंटे में कुल 9,629 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं, जिसके बाद अब देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 61,013 हो गई है। अफाक अहमद ने ली एमएलसी की शपथ। आज यानी कि 26 अप्रैल को बिहार विधान परिषद के नव निर्वाचित सदस्य सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के एमएलसी चुनाव में प्रशांत किशोर समर्थित उम्मीदवार अफाक अहमद को विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर के द्वारा एक शादी समारोह में पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। बता दें कि इस दौरान वहाँ संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी भी मौजूद रहे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अफाक अहमद ने सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के एमएलसी चुनाव में महागठबंधन प्रत्याशी आनंद पुष्कर के खिलाफ लड़कर 664 मतों से जीत हासिल की थी और अपनी इस जीत के साथ उन्होंने परचम लहराकर इतिहास रच दिया था। हालांकि अब तक अफाक अहमद के द्वारा यह पुष्टि नहीं की गई है कि वे सदन में सत्ताधारी नीतीश सरकार के पक्ष का समर्थन करेंगे या विपक्षी दल भाजपा का समर्थन करेंगे। भाजपा को केंद्र से हटाने के लिए तेजस्वी ने भरी हुंकार। बीते दिन मंगलवार को बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा मोतिहारी के कोटवा के जमुनिया ब्रह्मस्थान मैदान में केसरिया के पूर्व विधायक जमुना यादव की 9वीं पुण्यतिथि पर आयोजित जनसभा में भाजपा पर निशाना साधा गया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी के द्वारा बिहार में भी महाराष्ट्र की तरह ही खेला करने की कोशिश की गई, लेकिन यहां उल्टा हो गया। कब बिहार की सत्ता उनके हाथ से चली गई उन्हें पता भी नहीं चला। उन्होंने कहा कि इस बार हम लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। केंद्र सरकार देश को बेचने का काम कर रही है। जब भी हम सत्ता में आते हैं हमारे पीछे सीबीआई और ईडी पहुंच जाती है, लेकिन जब पिताजी नहीं डरे तो उनका बेटा भी नहीं डरने वाला है। उन्होंने कहा कि इस बार बिहार ही बीजेपी को केंद्र सरकार के पद से हटाने का काम करेगी। आनंद मोहन की रिहाई पर बीजेपी की आपत्ति पर जेडीयू का पलटवार। पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई को लेकर अब बीजेपी और जेडीयू आमने सामने आ गई है। वहीं अब उनकी रिहाई को लेकर बीजेपी के द्वारा जताई जा रही आपत्ति पर जेडीयू के द्वारा पलटवार किया गया है। दरअसल जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार के द्वारा बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा गया है कि जब बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा सभी के लिए एक जैसा कानून बनाया गया है तो फिर आम और खास के लिए यह कानून अलग अलग कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा कि जो लोग भी आनंद मोहन की रिहाई को लेकर विरोध कर रहे हैं उन्हें यह बात याद रखनी चाहिए कि खुद सुशील मोदी के द्वारा कभी आनंद मोहन की रिहाई को लेकर मांग की गई थी। शराबबंदी को लेकर मुकेश सहनी का बयान। बीते दिन वीआईपी के प्रमुख और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के द्वारा वैशाली के महुआ स्थित पहाड़पुर में श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञ में शामिल होकर पूजा अर्चना के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए बिहार में शराबबंदी को लेकर अपना बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि बिहार में शराबबंदी लोगों की भलाई के लिए की गई थी, लेकिन इसका सही ढंग से पालन नहीं हो पा रहा है। इससे बिहार सरकार की कमाई भी कम हो गई है और राज्य को नुकसान भी हो रहा है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जो काम आज समाज को करना चाहिए वह काम सरकार कर रही है। सरकार मंदिर बनवाकर धर्म के नाम पर वोट ले रही है, लेकिन आप सभी इसमें बदलाव ला सकते हैं क्योंकि आप ही सरकार बनाते हैं। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के निधन पर सीएम नीतीश ने जताई संवेदना। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के निधन पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा गहरी शोक संवेदना व्यक्त की गई है। शोक व्यक्त करते हुए सीएम नीतीश ने कहा कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता प्रकाश सिंह बादल जी का निधन दुखद। उन्होंने अपने लंबे राजनीतिक सफर में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का सफलतापूर्वक निर्वहन किया। वे राजनीति में अपनी सुचिता के लिए जाने जाते थे। उनसे मेरा गहरा लगाव था। पटना में आयोजित प्रकाश पर्व के दौरान भी उनसे मेरी मुलाकात हुई थी। उनके निधन से मैं व्यक्तिगत रूप से मर्माहत हूं। उनके निधन से राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्र में अपूर्णीय क्षति हुई है। दिवंगत आत्मा की चीर शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना है।
जदयू के पूर्व विधायक होंगे कल बीजेपी में शामिल। कल यानी कि 27 अप्रैल को खगड़िया के अलौली सुरक्षित सीट से जदयू के पूर्व विधायक रामचंद्र सदा बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। बता दें कि उन्हें बीजेपी की सदस्यता बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के द्वारा दिलाई जाएगी। मालूम हो कि इस बात की घोषणा खुद पूर्व विधायक रामचंद्र सदा के द्वारा की गई है। मालूम हो कि उन्होंने यह सभी बातें बीजेपी के जिला कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में कही। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रामचंद्र सदा साल 2010 के चुनाव में केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस को हराकर जेडीयू के विधायक बने थे, जिसके बाद फिर वर्ष 2019 में जेडीयू से इस्तीफा देकर वर्ष 2020 में एलजेपी में शामिल हुए थे और एलजेपी के टिकट पर अलौली से चुनाव लड़ा था, पर इसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। वहीं अब वे बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। मुंबई इंडियंस की हार के बाद रोहित शर्मा को सुनील गावस्कर की सलाह। बीते दिन अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर मुंबई इंडियंस को गुजरात टाइटंस के खिलाफ 55 रनों से हार का सामना करना पड़ा। वहीं बीते दिन हुए मुंबई इंडियंस के इस हार को लेकर टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर के द्वारा मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा को एक सलाह दी गई है। दरअसल उन्होंने स्टार स्पोर्ट्स से बातचीत करते हुए कहा कि मैं मुंबई इंडियंस के बैटिंग ऑर्डर में कुछ बदलाव देखना चाहूंगा। सही कहूं तो मैं चाहता हूं कि कुछ समय के लिए रोहित शर्मा भी एक ब्रेक ले ले और खुद को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए फिट रखे। इसके बाद आखिरी के कुछ मैचों के लिए वापसी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल उन्हें एक छोटे से ब्रेक की सख्त जरूरत है। वह फिलहाल काफी ज्यादा बेचैन लग रहे हैं। हो सकता है कि वह इस समय वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के बारे में सोच रहे हों, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि उन्हें इस समय एक ब्रेक की जरूरत है, जिससे वह वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए पूरी लय में रहे। जानिए आज बिहार में क्या है पेट्रोल डीजल के रेट। बिहार में आज यानी बुधवार को पेट्रोल डीजल के रेट जारी किए गए। इसके बाद राजधानी पटना में आज पेट्रोल 107.22 रुपए और डीजल 94.02 रुपए प्रति लीटर में मिल रहा है। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल 107.91 रुपए और डीजल 94.64 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं पूर्णिया में पेट्रोल की कीमत 108.72 रुपए और डीजल 95.40 रुपए प्रति लीटर है। भागलपुर में पेट्रोल की कीमत 108.26 रुपए और डीजल की कीमत 94.97 रुपए प्रति लीटर निर्धारित की गई है। इसके साथ ही गया में पेट्रोल की कीमत 108.31 रुपए और डीजल कीमत 95.04 रुपए प्रति लीटर है। बता दें कि बिहार में पेट्रोल का रेट सबसे ज्यादा कसनगंज में है, जहां पेट्रोल 109.40 रुपए प्रति लीटर और डीजल 96.04 रुपए प्रति लीटर की दर से मिल रहा है। बीते दिन हमारे पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रंजीत मिश्रा, कुश कुमार यादव, शंकर मुखिया, मुटुर रंगीला, मोहम्मद सकीर हुसैन, रनू गोलू कुमार, देव देवानंद देव, बाबूलाल मरांडी, अंशु प्रिया, कौशलेंद्र कुमार सन्हा, राजू कुमार रजक, अनवर करीम खान, बिट्टू कुमार राज, कन्हैया कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सरकार की ओर से क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए। आप अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।